इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। सूरत भारत का एक ऐतिहासिक शहर जो अपनी डायमंड कटिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मशहूर है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि मुगल काल में दिल्ली और आगरा के बाद सूरत हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। आज हम बात करेंगे लेखक मोइन मीर के साथ, जिन्होंने अपनी किताब सूरत फॉल ऑफ अ पॉट राइज ऑफ अ प्रिंस में सूरत के इतिहास के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय के बारे में लिखा है। किस तरह एक हिंदुस्तानी नवाब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हाउस ऑफ कॉमन्स में हराया। मोइन, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मधु किया, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मोइन, हमारा आपसे पहला सवाल है सूरत के बारे में। ज्यादातर लोग सूरत को एक मॉडर्न शहर, ट्रेड और इंडस्ट्री का शहर के बारे में जानते हैं, पर मुगल काल में ये भारत का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। तो अगर आप हमें बताएं कि सूरत इन इट्स हीडे, इन द डेज ऑफ इट्स ग्लोरी किस तरह था। देखिए, सूरत का एक बहुत ही अहम रोल था मुगल सल्तनत में और उसके पहले भी, लेकिन मेरे ख्याल से 15वीं सदी में सूरत एक मुकाम पर पहुंच गया था जहां वो इंटरनेशनल तौर पे सबसे आला और उम्दा शहर था। इसकी ये वजह थी कि वो दरकिनार अरेबियन सी पे एक पोर्ट था, और उसकी वजह से बहुत ही आमद और रफ्त होती थी शिपिंग ट्रेडिंग की। आप सूरत में कई लोगों को पाते थे, पोर्चुगीज़ वहाँ थे, अंग्रेज़ लोग वहाँ थे, और बहुत तादाद में टर्क्स थे, बगदादी जूज थे, आर्मीनियंस थे, और फिर जो आपके जो लोकल कम्युनिटीज थी वो भी थी, जैन कम्युनिटी जो बहुत ही तेज रफ्तार से बिजनेस में आगे बढ़ रही थी, बोरे लोग भी थे। तो माना जाता था कि सूरत ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान में वो शहर था जहाँ कई किस्म के लोग पनपते थे, कई किस्म के लोगों का कारोबार था, और इस वजह से सूरत का जो महत्व है, जैसे आपने कहा, वो बढ़ता गया। और एक ऐसा वक्त आया था जब सूरत में मिंट भी वहाँ बनी जाती थी, मिंट यानी कॉइनेज, जो मुगल बादशाह या बनाते थे, उनकी कॉइनेज वहाँ से बनती थी। तो इससे भी सूरत का जो महत्व है बहुत बड़ा। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सूरत की जो आमदनी थी जो मैरिटाइम ट्रेड से थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती गई हिंदुस्तान की रकम के लिए। तो सूरत कई हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था, जैसे आपने फरमाया, और इसकी ये भी एक बहुत ही नायाब चीज़, यानी वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ वो थी कि सूरत एक बहुत ही ज्योग्राफिक इम्पोर्टेंस पे लोकेट किया गया। एक तो रिवर ताप्ती और दूसरा अरेबियन सी, तो इस कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे जहाँ सूरत ने अपने आप को पाया, वहाँ से तो वो परवाज चढ़ना ही था सूरत को, क्योंकि उस जैसा कॉन्फ्लुएंस पॉइंट आप कहीं भी नहीं पा सकते थे। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको हिंदुस्तान से ट्रेड करना था, अगर आप मग़रिब से आ रहे थे, वेस्ट से आ रहे थे, तो आपको सूरत से इंटरेक्शन करना लाजमी था। And you know, that was the reason why Surat grew in such stature. तो आपकी किताब, जो
में जो कहानी है, जो चैप्टर ऑफ हिस्ट्री है जिसके साथ वो डील करती है, वो डील करती है फॉल ऑफ सूरत के साथ। और ये शुरू होता है 1707 में बादशाह औरंगजेब के निधन के बाद, जब यू नो मुगल साम्राज्य टूटना शुरू हुआ। और इंटरेस्टिंगली उसी समय पर जो कंपनीज हैं, यूरोपियन कंपनीज हैं, जैसे कि डच है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, आई मीन इनफैक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वेस्ट कोस्ट पे सबसे मुख्य स्थान तो सूरत ही था, उन्होंने अपने पैर फैलाने शुरू किए। और इनफैक्ट जो सूरत के नवाब थे वो भी इसी वक्त उनका एक सेमी इंडिपेंडेंट स्टेटस हुआ। तो उस समय क्या हो रहा था जब मुगल साम्राज्य टूट रहा था? औरंगजेब के इंतकाल के बाद सन 1707 में कई लोग जानते हैं कि मुगल बादशाहियत का यू नो पाइनी तौर पे इट्स द डाउनफॉल स्टार्टेड। और उसी दौरान हिंदुस्तान कई यू नो कई प्रिंसली स्टेट्सों में तकसीम हो रहा था। तो क्योंकि बादशाहत ख़त्म हो रही थी, कई लोगों ने अपने स्वतंत्र के झंडे बुलंद किए और कई रियासतों में हिंदुस्तान तकसीम होने लगा। और इसी दौरान आप ये मनाज़िर भी देखते हैं कि सूरत के जो नवाब थे तेग बख़्श ख़ान, उन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दी और ख़ुद इंडिपेंडेंट हो गए 1733 में, जैसे कहीं इंडिपेंडेंट हुए, यू नो कहीं महाराजाज और रजवाड़ाज और नवाब्स इंडिपेंडेंट हुए, ये भी 1733 में इंडिपेंडेंट हुए। लेकिन ये जो नवाब थे तेग बख़्श ख़ान, इनका जो नज़रिया था वो काफ़ी नायाब नज़रिया था, क्योंकि ये 1733 के कबल या पहले सूरत को दो पावर सेंटर्स में तकसीम किया गया था। एक जो किलेदार था, दैट मींस द वन हु कंट्रोल द फोर्ट, और दूसरा था नवाब जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज था। और पहली बार 1733 में आप देखते हैं कि तेग बख़्श ख़ान के ज़ेरे हुकूमत, यानी तेग बख़्श ख़ान के अंडर सूरत कम्स अंडर वन रूल, the fort and the city is ruled by one nawab and as a result of that iski badolat aap dekhte hain ki zyada tar jo european powers the irad gird wo kafi is united surat se khauf zada ho jate hain। To aapki jo east india company wahan aayi thi, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ट्रेडिंग कंपनी, ये सब जो आए थे और वहाँ से ट्रेड कर रहे थे, पहली बार ऐसा मंजर आया उनके सामने कि सूरत एक यूनाइटेड कमांड के नीचे आ गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी बिटवीन 1733 और 1800, ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत ही ताकतवर कंपनी के रूप में उभरी। उन्होंने कई बार सूरत में ये कोशिश की कि नवाब से इक्तदार या पावर ले लिया जाए, लेकिन तेग बख़्श ख़ान काफ़ी यू नो काफ़ी दानिशमंद इंसान साबित हुए। उन्होंने कई बार उनको डिप्लोमेटिकली हराया, कई बार उन्होंने उनको समुंदर में शिकस्त दी। फिर तेग बख़्श ख़ान ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे टैक्सेस लागू कर दिए कि भाई आप ट्रेड कर रहे हैं, जो गुड्स और कमोडिटीज़ हैं ये हिंदुस्तान के नहीं हैं, आप कहीं से ला रहे हैं तो उन पे ज़्यादा टैक्स आपको भरना पड़ेगा। इन चीज़ों से ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी दिक्कत हुई और इन्होंने कई बार कब्ज़ा जमाने की कोशिश की सूरत पे, लेकिन लगातार ये कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन एक चीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने की वो ये कि इन्होंने पोर्चुगीज और डच को हरा दिया। तो एक बार ये काम यानी पाए तकमील तक पहुंच गया था, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने
पूरे हिंदुस्तान में अपने यू नो टेंटिकल्स फैलाना शुरू कर दिए थे। बाय द टाइम ये 1774 का वक्त आता है और तेग बखान की का इंतकाल हो जाता है, उनके 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 वारिसदार भी आ जाते हैं तख्त पे, लेकिन एक काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती है जो बहुत ही नागवार काम होती है, और वो है कि वो सूरत में जो मिंट है उसको बंद कर देती है, और इससे जो ट्रेडर्स हैं सूरत के, जो व्यापारी लोग हैं, जो मर्चेंट्स हैं सूरत के, उनको बेइंतहा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर कॉइनेज ही नहीं है और अगर कॉइनेज को बंद कर दिया तो आप ट्रेड कैसे करेंगे। तो 1774 में इन्होंने ये बहुत ही खौफनाक चीज की, और इसकी सिर्फ ये वजह थी कि इन्होंने बंबई को इख्तियार कर लिया था, और बंबई को इन्होंने एक ऐसा मरकज बनाना था जो सूरत को राइवल कर सके और सूरत का रकीब बन सके। इस दौरान अगर वो बंबई को बना देते तो सूरत की अहमियत भी घट जाती, और इन्होंने बंबई को पाया डाउरी में, जैसे कई लोग जानते हैं कि यू नो चार्ल्स और जेम्स की शादी में ये डाउरी मिले थे, और द किंग ऑफ ब्रिटेन वाज नॉट इंटरेस्टेड इन बॉम्बे बिकॉज इट वाज जस्ट टू स्मॉल स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स, तो किंग ऑफ इंग्लैंड ने दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो तदबीर या स्ट्रैटेजी थी वो थी बॉम्बे को बनाना और सूरत को घटाना। तो बॉम्बे उनके कब्जे में था, वहां पे वो वॉरशिप्स लाते थे, जंगी जहाज लाते थे, और सूरत को सफोकेट कर दिया। जैसे ही उन्होंने सफोकेट किया वैसे ही उन्होंने मिंट भी बंद कर दिया, उन्होंने ट्रेडिंग पे कब्जा कर दिया, और जैसे जैसे सूरत को सफोकेट करते गए बॉम्बे बढ़ता गया, और फाइनली 1774 में नवाब हफीजुद्दीन खान ने एक लेटर लिखा कंपनी को इंग्लैंड में। एक्चुअली ये लेटर ब्रिटिश लाइब्रेरी में है लंदन में, और इस लेटर में उन्होंने लिखा कि ये आप क्या कर रहे हैं, एक तो आप बात करते हैं कि आप यू नो व्यापार और ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरी बात दूसरी हाथ आप पूरा मिंट को तबाह कर रहे हैं, आप घूस ले रहे हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे इनका सिर्फ यही मकसद था कि सूरत की ट्रेड को ख़त्म किया जाए और बॉम्बे को बढ़ाया जाए। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये होलनाक वाक्या होता गया। यू नो आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही, बिकॉज यू नो बम्बई के इतिहास पर इतनी किताबें लिखी गई हैं और इतना रिसर्च हुआ है, पर यू नो हमने भी जो पढ़ा है अभी बहुत ही ऐसी कम किताबें हैं। यू नो जनरली कहा जाता है कि सूरत से लोग माइग्रेट होना शुरू हुए और एक प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस उसे दिखाया जाता है, पर आपकी किताब में यू नो पता चलता है कि एक सोचे समझे प्लान के तहत सूरत को खत्म किया गया। यू नो वहां पर इतना कंडीशंस इतने अंग्रेजों ने डिफिकल्ट कर दिए थे कि पीपल द मर्चेंट्स वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन, बट वो मुंबई में जाकर बसे और वहां पर सेटल हुए। तो मुंबई को बनाने के लिए एक सोचे समझे तरीके से यू नो सूरत को खत्म किया गया, पर सूरत अंग्रेजों के कब्जे में कैसे आया, और जब अगर ये पोर्ट डिक्लाइन हो रहा था तो उन्हें क्यों ऐसा लगा कि हमें इसका एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर करना चाहिए और यहाँ के नवाब को पेंशन दे देनी चाहिए। देखिए जैसे जैसे सूरत की यानी बम्बई की अहमियत बढ़ती गई और सूरत की अहमियत को घटाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी कई इलाकों में, हिंदुस्तान के कई इलाकों में बहुत ही उनका तसल्लुत यानी उनकी जो डोमिनेशन है वो बढ़ती गई। अब हम आते हैं करीबन सन 1800। इसमें इस दरमियान 1733 और 1800 तक जहां तक हो सके ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने सूरत की अहमियत घटाई, लेकिन सूरत 1800 तक भी
एक बहुत ही यू नो मुअज्जिज रिस्पेक्टेड शहर था, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। ट्रेडिंग फिर भी हो रही थी और ज्यादातर लोग यू नो लोग ये भी समझते थे कि सूरत के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वो भी काफ़ी ज़राई तौर पे फर्टाइल लैंड्स हैं, क्योंकि ताप्ती भी बहती थी वहाँ से। तो सूरत फिर भी 1800 तक भी बहुत ही एक मुनफरिद और नायाब और बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट था। लेकिन जिस शख्स ने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया उसका नाम था रिचर्ड वेलेसली। और ये जो आदमी थे इन्होंने हिंदुस्तान में कदम रखा 1799 में। और इनका जो नजरिया था, इनकी जो तदबीर थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो बिल्कुल अलग थी दूसरे गवर्नर जनरल्स के अगर आप उनसे कंपैरिजन करें। रिचर्ड वेलेसली का सिर्फ एक ही मकसद था, हिंदुस्तान पे कब्जा। और इनका ये मकसद क्यों था? इसलिए क्योंकि ये शख्स ने अमेरिका को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस पाते हुए देखा और ये उनके लिए नागवार था, क्योंकि अमेरिका हाथ से निकल गया था और रिचर्ड वेलेसली ने उसे बड़ी करीबी से वो शिकस्त को देखा था और उनको भेजा गया था हिंदुस्तान। जब वो हिंदुस्तान आए तो उन्होंने सीधे लेटर लिखा कंपनी डायरेक्टर्स को कि बस अभी ट्रेडिंग बहुत हो गई, अब हमें अब हमारे सामने ये मंजर है कि मुगल बादशाहत खत्म हो रही है, हमें अभी हिंदुस्तान पे तसल्लुत और कब्जा करना है। तो जब ये नैरेटिव ही बदल गया ईस्ट इंडिया कंपनी का कि भाई वी वांट टू बी नो लॉन्गर एडमिनिस्ट्रेटर्स बट वी वांट टू बी कॉन्करर्स, तो ये एक बिल्कुल नजरिया मुख्तलिफ किस्म का हो जाता है। और जैसे ही रिचर्ड वेलेसली हिंदुस्तान में आए, उनका पहला काम था टिपू सुल्तान से जंग करना। टिपू सुल्तान को उन्होंने हराया 1799 में, उसके बाद उन्होंने मराठों को हराया असाई में, और फिर जैसे ही मराठा और टीपू सुल्तान को इन्होंने हराया, इन्होंने सूरत पर नजर डाली। अब सूरत तब तक एक महदूद रह गया था, सिर्फ एक शहर तक, सूरत तक, और उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 5000 सिपाही थे नवाब के पास। रिचर्ड वेलेसली ने शिप्स भेज दिए सूरत डॉक पे और सूरत का मुहासरा कर दिया, यानी उसे सराउंड कर दिया और कह दिया कि भाई आप अभी साइन कर दें अग्रीमेंट और ट्रीटी कि आपको सूरत स्टेट्स, यानी आपके जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं और पर्सनल स्टेट्स हैं जो भी ज्यादातर नवाब के होते हैं वो आप रखिए, हम आपको 15,000 pounds सालाना देंगे और आप हुकूमत नहीं करेंगे सूरत। तो ये जब ट्रीटी पेश की गई नवाब सूरत को तो जाहिर है पहला तो उनका ये रिएक्शन रहा और रद्दे अमल रहा कि मैं इस पे अमल दरामद नहीं करूंगा और मैं रिचर्ड वेलेसली का मुकाबला करूंगा। लेकिन जो वजीर थे नवाब के, उन्होंने उनसे कहा देखिए ये दौर है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इन्होंने हिंदुस्तान में अपने कदम जमा लिए हैं, टिपू सुल्तान को हरा दिया, मराठा को हरा दिया, आपकी फौज 5000 है, इनकी फौज यू नो 300,000 है, इनके पास शिप्स हैं, इनके पास कैनन्स हैं, आप कहाँ से मुकाबला करेंगे। तो इतना इन पे जैसे कहते हैं प्रेशर था, और प्रेशर के अंदर नवाब नसीरुद्दीन ने ये ट्रीटी साइन की। फिर भी 1/3 ऑफ सूरत स्टिल वाज द प्राइवेट एस्टेट्स ऑफ द नवाब, और वो प्राइवेट एस्टेट्स कई लोगों की आमदनी देते थे, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते थे, कई लोगों की जरियाए माश यानी सबसिस्टेंस वो एस्टेट से आती थी, पॉटर्स, वीवर्स, यू नो मिल ओनर्स, टेक्सटाइल ओनर्स, वो ऑल एम्प्लॉयड इन द एस्टेट्स। तो 1800 में जब
जबरदस्ती दस्ते दाराजी से यानी विद बुलिंग टैक्टिक्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब को कॉर्नर करके उनसे ये सिग्नेचर ले लिया. दैट इज व्हेन सूरत फॉल्स एज अ पोर्ट. अब अंग्रेजों ने सूरत पर कब्जा कर लिया है और नवाब उन्होंने कमिटमेंट की है कि वो वहां के जो नवाब है उनको एक तनखा देंगे जो उनका हक है और उनके प्राइवेट स्टेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे. पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ग्रीड बढ़ता है और नवाब साहब के निधन के बाद वो पेंशन बंद कर देते हैं और जमीनें उनकी जब्त कर लेते हैं, सीज करते हैं. और एक आपके जो किताब के जो नायक है मीर जाफर अली खान जो नवाब के जो जमाई है तो वो इमर्ज करते हैं. मीर जाफर अली खान एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब है बिकॉज वो चिश्तिया एक डिसेंडेंट उनके पूर्वज चिश्ती थे और वो कमडिया जो सौराष्ट्र में है वहां से बिलोंग करते थे. और हम जब देखते हैं अभी बात होती है हिंदू रूलर्स मुस्लिम रूलर्स पर जो ओरिजिन ऑफ कमेडिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पेशवाओं के साथ जुड़ा हुआ है. तो अगर आप हमें कुछ उस रियासत के बारे में बताएं. जी तो हम आते हैं सन 1817 में. इस वक्त आप देखते हैं कि ये मंजर आम है कि सूरत की हुकूमत इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है. लेकिन फिर भी सूरत के इस्टेट्स जैसे आपने फरमाया अभी तक प्राइवेट इस्टेट्स 1/3 ऑफ सूरत जेरे हुकूमत नवाब के हैं. और नवाब साहब उस दौरान सिर्फ एक बेटी के वालिद हैं. उन्हें लड़का नहीं है तो उनके कोई साहिबजादे नहीं है, सिर्फ एक बेटी है. और ज्यादातर अमूमन तौर से लोग समझते हैं कि ये जो खौफनाक चीज थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू की थी हिंदुस्तान पे, जहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, जिसे कहा जाता था यानी आप अगर महाराजा हो या नवाब हो और आपके पास एक फर्जन ना हो यानी आपके पास कोई बेटा ना हो तो द इंग्लिश कुड टेक ओवर योर किंगडम, विच वॉज मैसिवली अनजस्ट क्योंकि उनकी तो मलिका विक्टोरिया थी. फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी लेडीज को नहीं रिकग्नाइज करती थी और यही तो उनकी मुनाफिकत और हिपोक्रेसी थी अंग्रेजों की. तो ये जो नवाब साहब थे मीर अफजलुद्दीन खान, इनकी सिर्फ एक बेटी थी, दो बेटियां थी लेकिन एक की मौत हो गई थी. और ये बड़े खौफ ज़दा हो गए थे नवाब साहब कि अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी को अंग्रेज रिकग्नाइज नहीं करेंगे. तो उन्होंने एक बड़ा सा फैसला लिया कि भाई हम मुग़ल शहजादों को लाएंगे और मुग़ल शहजादों से हमारी बेटी की एक मुग़ल शहजादे से हमारी बेटी की शादी होगी और ये अलायंस से ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी दूर रहेगी हमारे स्टेट से और मैं चैन की जिंदगी जी सकूंगा. लेकिन जो मुग़ल शहजादे आए वो काफ़ी रंगीले मिजाज के थे और एक साहबजादे तो कहीं कहीं गुफाओं में पड़ गए और कहीं कई चीज़ों से लुत्फानंदोज हुए सूरत की जो रंगरलियों में पाए गए. तो ये इनको नागवार हुआ नवाब साहब को और इन्होंने इन दोनों शहजादों को रफा दफा कर दिया वापस दिल्ली. फिर उनकी नज़र पड़ी काठियावाड़ में. नाउ काठियावाड़ की हिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत हिस्ट्री है और कई लोगों ने इस पे गौर नहीं किया है और ये बहुत ही एक काबिले तारीफ बात है कि उस इलाके में काठियावाड़ जिसे हम कहते हैं और ज़्यादातर अमूमन तौर पे आजकल उसे कहलाया जाता है सौराष्ट्र. सौराष्ट्र का क्या मतलब? सौराष्ट्र का ये मतलब है 100 स्टेट्स, सौराष्ट्र.
और इसकी ये सफत थी, the attribute was so beautiful of काठियावाड़ के, they were infested with princely states. और चप्पे चप्पे पे यानी आपको कोई रजवाड़ा मिल जाता, यानी 10 किलोमीटर की दूरी पर एक नई रियासत. तो एक छोटी सी रियासत थी, उसका नाम था कमडिया. और ये रियासत दी गई थी, मुगल बादशाह ने दी थी मीर सरफराज अली को, जो मौदूदी चिश्ती थे. मौदूदी चिश्ती वो हैं जिन्होंने चिश्ती सूफी सिलसिले की तामील की थी और उसको हिंदुस्तान में लाए थे. ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती भी अजमेर शरीफ में हैं, उसी सिलसिले को उन्होंने बढ़ाया. और इनके जो हजरत मौदूद चिश्ती जो चिश्त से थे, उनके जो जिसे कहते हैं उनकी जो आल थी, डिसेंडेंट्स, एक शख्स थे, उनका नाम था मीर सरफराज अली. और उनको ये रियासत कमडिया दी गई थी और वो उस रियासत के नवाब या दरबार साहब थे. उनके एक बेटे थे मीर जाफर अली खान, और इन्होंने काफी अपना नाम और शोहरत कमाई थी काठियावाड़ में, क्योंकि ये काफी जवान दिल थे, ये काफी दरिया दिल थे. लोग कहते हैं ये काफी गुड लुकिंग और हसीन, इनके लिए काफी कुछ लिखा गया था इनके लुक्स के बारे में. यू नो, 6 feet टॉल, यू नो, वेरी गुड लुकिंग मैन. और इन्होंने 16 बरस की उम्र में जो मकरानी डाकू थे उनसे जंग लड़ी थी काठियावाड़ में और उनको शिकस्त दी थी. और उनके जो वालिद थे मीर सरफराज अली साहब, उन्होंने एक अलायंस की थी महाराजा गायकवाड़ के साथ, बड़ौदा के साथ, क्योंकि महाराजा गायकवाड़ जो थे उनके कई गांव थे काठियावाड़ में, लेकिन उनको मैनेज करना महाराजा गायकवाड़ ने ये समझा बेस्ट के जो मीर साहब थे कमडिया के जो राजा थे उनको दी जाए ये अपॉर्चुनिटी और ये मकाम के वो मैनेज करें उनके एस्टेट्स. और ये मीर सरफराज अली साहब ने बतौर जिम्मेदारी ये बहुत अच्छी तरीके से निभाई. और जब एक वक्त आया था जब पेशवा को सराउंड कर दिया था उनके बॉडीगार्ड्स ने उनको असैसिनेट करने के लिए, तो मीर सरफराज अली ने एक कैंपेन लीड की थी पेशवा को बचाने के लिए. और ये सब करके जब वो वापस कमडिया लौटे तो उनको कई इनाम दिए गए. महाराजा गायकवाड़ ने इनाम दिए, पेशवा साहब ने उनको इनाम दिए, और वो कमडिया के रजवाड़ा बन गए थे. बहरहाल सूरत के नवाब को ये पता चलता है कि कमडिया के राजा के एक बेटे ने शिकस्त दी है ये खूनखार डाकुओं को जो बलूचिस्तान से आ गए थे मकरानी लोग, और उन्होंने इमीजिएटली पैगाम भेज दिया कि आप मेरी बेटी को स्वीकार करें और ये एक बहुत ही अच्छा अलायंस होगा. लेकिन जो चीज नवाब ऑफ सूरत करते हैं इससे पहले, वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही स्मार्ट चीज है. ये पहले मीर जाफर अली खान को लीगली अडॉप्ट करते हैं एज अ सन, एंड देन इनकी शादी करते हैं इनके डॉटर्स के साथ. और ये इनका ये मकसद है कि भाई अगर ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों ने मेरी बेटी को नहीं माना तो ये मेरे अडॉप्टेड बेटे को माने, और अगर अडॉप्टेड बेटे को नहीं मानेंगे तो बेटी को मानना पड़ेगा क्योंकि इनकी शादी हुई है मेरे अडॉप्टेड बेटे से. तो ये मद्देनजर रख के ये अलायंस हुआ था. पर सच बात तो ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ग्रीड था, तो उन्होंने ना ही बेटे को और ना ही बेटी को रिकॉग्नाइज किया पेंशन के लिए, और जो उनकी जो निजी संपत्ति है उस पर नजर डाली. जब मीर जाफर अली खान ने अभी हिंदुस्तान में उन्हें न्याय मिले इसकी बहुत कोशिश की, और जब वो नहीं हुआ तो निर्णय लिया कि वो लंदन जाएंगे जस्टिस के लिए. इंटरेस्टिंगली जैसे जब झांसी की रानी ने पिटिशन भेजा था लंदन, सातारा के जो छत्रपति है उन्होंने भेजा था,
नवाब अवध के नवाब वाजिद अली शाह की माँ मलिका बेगम, वो तो खुद लंदन गई थी। तो उस समय उन्होंने, मीर जाफर अली खान ने कब डिसाइड किया कि हमें खुद लंदन जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हम वकील भेजे, एक रिप्रेजेंटेटिव भेजे, बिकॉज एक काफी अनप्रेसिडेंटेड था एक प्रिंस को उस समय देश छोड़कर, आई मीन हज के अलावा एक एनिमी, ऑलमोस्ट एक एनिमी टेरिटरी में जाकर यू नो लोगों से मिलना और उनसे अपने अपने बिहाफ पे लॉबी करना। जी, ये एक बहुत ही उस जमाने का ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं मामूली डिसीशन नहीं था, क्योंकि आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं कि ये वक्त वो वक्त था जहां हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की हुकूमत थी। बिल्कुल राजे रजवाड़े थे, लेकिन जो जो फौज ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, जो कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी रखती थी शहजादों पे, हिंदुस्तान के शहजादों पे और हिंदुस्तान के रजवाड़ों पे, वो बहुत ही बहुत ही टाइट ग्रिप था उनका। अब ये वक्त आता, एक वक्त आता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ना तो, जैसे आपने फरमाया कि ना तो सूरत के जो नवाब थे उनकी बेटी का क्लेम मानते हैं, ना ही मीर जाफर अली खान का। और जुल्म और सितम का ये हद होता है कि ये हर मुतालबा यानी हर क्लेम को मुस्तरद कर देते हैं, उन्हें कैंसिल कर देते हैं और पेंशन बंद कर देते हैं और उनकी जो प्राइवेट इस्टेट्स हैं उनको पब्लिक ऑक्शन करने की कोशिश में, इनता कोशिश में लगे रहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब था कि जो शाही खानदान है उसे आप नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, उसे आप तबाह करना चाहते हैं। और ये यही नहीं, जो छोटी रियासत थी कमडिया की उस पे भी वो कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि जैसे किस्मत का खेल है, नवाब सूरत की सिर्फ एक बेटी रही और मीर जाफर अली खान और इस बेटी की जो शादी के बाद जो औलाद थी वो भी दो बेटियां थी, तो सिर्फ बेटियां ही बेटियां। तो इस, तो ये मद्देनजर रख के ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये फरमाया कि आप सूरत से तो हम आपको बेदखल कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो खुद की रियासत है कमडिया उससे भी हम आपको बेदखल करेंगे क्योंकि आपके पास कोई बेटा नहीं है। और इस कश्मकश में, इस बहुत ही होलनाक और अलमनाक जिसे कहते हैं स्थिति में, ये एक बहुत ही शुजात भरी और बहुत ही बहादुरी का एक फैसला लिया मीर जाफर अली खान ने कि नहीं, मैं अपने वकील को नहीं भेजूंगा, मैं खुद इंग्लिस्तान जाऊंगा और मैं खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन से मिलूंगा और मैं खुद वहां जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जुल्म और सितम ये कर रहे हैं हिंदुस्तान में उनकी मैं वहां जाकर मुखालिफत करूंगा। और उन्होंने अपने एक टोली बनाई, एक अंग्रेज सेक्रेटरी को हायर किया, एक सेक्रेटरी दूसरे थे उनका नाम था लुत्फुल्ला, जो जिंदगी के लुत्फी उठाते रहे, और उनको भी हायर किया और चल पड़े ये यू नो जहाज में चल पड़े और इंग्लिस्तान का रुख किया। बहुत ही बहादुरी का डिसीशन था क्योंकि आप ये अपने आप को इस मंजर में डालें कि आपकी बीवी ट्यूबरकुलोसिस का शिकार है, आपकी दो बेटियां हैं 2 या 3 साल की, और अगर आप उस जमाने में इंग्लिस्तान से वापस नहीं लौटे तो आप समझिए उन बेटियों का क्या हशर होगा अगर उनकी माँ भी गुजर गई ट्यूबरकुलोसिस से। तो ये एक बहुत ही बहादुरी का डिसीशन लिया और ये लंदन पहुंच गए 1844 में। वहां पहुंचकर ज्यादातर अमूमन तौर पे शहजादे आते थे, तो वहां तो एक
बहुत ही यू नो जम गफीर लग गई, यानी जौक तर जौक लोग आ गए उनको देखने के लिए कि ये क्या कपड़े पहनते हैं, जेवरात पहनते हैं हिंदुस्तानी टर्बन के लिए। होटल मेवाट्स में इन्होंने अपना कायम किया, वहाँ उन्होंने इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाए, उन्होंने इंग्लिश पुडिंग्स खाए, तो उनके लिए भी एक बहुत ही अजूबा, जिसे कहते हैं तजुर्बा था ये, और मुनफरिद तजुर्बा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया इंग्लैंड में, उनकी इल्तिफात और मुदरा, जिसे कहते हैं उनका इस्तकबाल जो था, वो बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन जैसे वक्त बीतता गया और अंग्रेजों को ये पता लग गया कि ये क्यों आए हैं, ये आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हरकतें हैं इन्हें ब्रिटिश लोगों को बताने के लिए, तब जाके अंग्रेज लोग इनकी मुखालिफत करते हैं, इनके अगेंस्ट हो जाते हैं और इनके इनको कोई सहारा नहीं देते। लेकिन एक वक्त आता है जब ये एस्कट रेसेस, जहाँ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट, उस एस्कट रेसेस यानी एस्कट रेसेस जहाँ सबसे आला किस्म के घोड़ों की रेस होती है, और उस इवेंट में मीर जाफर अली खान जाते हैं एज राजा ऑफ कमडिया एंड द कस्टोडियन ऑफ द रॉयल हाउस ऑफ सूरत। उस रेसेस के दौरान क्वीन विक्टोरिया की नज़र इन पर पड़ती है, और उस वक्त ये 24 साल के थे, विक्टोरिया मेरे ख्याल से तकरीबन 28 साल की रानी थी, और विक्टोरिया को एक बहुत ही अंदरूनी तौर पे हिंदुस्तान से मोहब्बत तो नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के रीति रिवाजों से एक एक शी हैड अ क्यूरियोसिटी। और जब यहाँ इंग्लैंड में इन्होंने एक हिंदुस्तानी राजा को देख लिया, तो इन्होंने जोर किया कि ये इनसे मुलाकात करें, और जब इन्होंने मुलाकात की तो विक्टोरिया ने इनकी कहानी सुनी और इन्होंने मीर जाफर अली खान को अपने टॉप क्लास लॉयर्स से मुलाकात करवाई। फिर भी यू नो टू स्टे इन इंग्लैंड एंड टू फाइट द ब्रिटिश पॉलिटिकल हायरार्की इज नॉट इजी, यू नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं था। तो फिर ये जो पहला स्टे था ब्रिटेन में 11 महीने का, ज़्यादातर मेरे ख्याल से नाउम्मीदी से ये वापस आए, क्योंकि हालांकि इन्होंने कई लोगों से मुलाकात की, लेकिन वो जो जिसे कहते हैं वो मोमेंटम नहीं मिला ताकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को सू कर सकें या उनकी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। और फिर ये वापस लौट आए, और जब ये लौट आए तो एक बहुत ही खौफनाक हादसा हुआ, उनकी बीवी गुजर गए और फिर ये सिर्फ दो बेटियां रहीं, और फिर एक वक्त आया जहां इन्होंने नाउम्मीदी का दामन पकड़ लिया और ये चले गए काठियावाड़ में, फिर से अपनी रियासत में, और वहां खो गए, सूफी की जिंदगी गुजारी। लेकिन 9 साल के बाद इन्होंने जो गांव थे काठियावाड़ में, एक या दो, उनको फरोख्त नहीं किया, उनको सेल नहीं किया, लेकिन उनकी मॉर्गेज की पैसे रेज किए और फिर से दोबारा इंग्लैंड गए 1854 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सू करने। अब जब वो ऑन हिज सेकंड विजिट टू इंग्लैंड वो जाते हैं, वो लॉबी करते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स में बिल्कुल एक स्मार्ट लेजिस्लेटिव जंग, एक चेस गेम की तरह खेलकर मेकिंग द राइट मूव्स, जो बाकी रजवाड़े और नवाब हिंदुस्तान के नहीं कर पाए वो करते हैं और वो जीत जाते हैं। तो इसकी क्या कहानी है कि एंड व्हाट वर्क्ड इन हिज फेवर जो बाकी रजवाड़ों के फेवर में इट डिड नॉट वर्क? फर्स्टली अक्षय, आई थिंक व्हाट वर्क्ड इन हिज फेवर इज ही वाज प्रेजेंट देयर. He refused to leave. He became a symbol of Indian resistance in Britain. It's a very unique position, and he occupied that position. He refused to leave. He said, come what may, I am not leaving the shores of Britain till I get justice.
That was the first thing. Secondly, इन्होंने बहुत ही जबरदस्त लॉयर्स को हायर किया. ये जो लॉयर्स थे क्वीन विक्टोरिया के लॉयर्स थे, तो बहुत ही जबरदस्त लॉयर्स को हायर किया. लेकिन आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसका जिक्र किया कि ये बिल्कुल एक चेस गेम की तरह था. क्योंकि आप ये तसव्वुर कीजिए, एक हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी शेरवानी पहन के इंग्लैंड के बैस्टियन ऑफ जस्टिस द ब्रिटिश पार्लियामेंट से बड़ा कोई मुकाम नहीं है, उसमें एट द हाइट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर टू एंटर and to challenge the British MPs in their own on their own floor is something that is absolutely it is shocking how he did that. Aur ye jo aap chess game ki baat kar rahe the bilkul isi tarah play out hua, kyunki ek baat waze main kar dun ke jo House of Commons tha wo bata hua nahi tha, wo zyada tar uski jo जिसे कहते हैं अक्सरियत मजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स वर मेंबर्स ऑफ द ईस्ट वर स्टेक होल्डर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो आप ये तसव्वुर कीजिए कि जो एमपीज से आप लड़ने वाले हैं वो खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, तो आप किस तरह तरीके से ये लॉबिंग करेंगे और किस तरीके से आप ये मनूवर करेंगे. और उसमें बहुत साल गुजर गए, उसमें कई एप्लीकेशंस गुजर गए, उसमें कई कई दौर आते गए जहां एक मकाम ये भी आता है जहां कई एमपीज ये कहते हैं कि भाई इनको वापस हिंदुस्तान जबरदस्ती भेज दो, और कई एमपीज को कन्विंस करने के लिए डे टू डे लॉबिंग होती गई कि देखिए ये केस है, किस तरीके से स्टेट्स को यूसर्प किया, किस तरीके से ये तसल्लुत जमा रहे हैं हिंदुस्तान में, किस तरीके से ये नाइंसाफी हुई है, और फिर किस तरीके से स्पीकर को कन्विंस करना कि ये बिल को टेबल किया जाए, और किस एमपी को कन्विंस करना कि भाई ये एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने हक के लिए या आपने राइट के लिए वोट नहीं किया तो ब्रिटेन की बदनामी होगी. क्योंकि ये भी सच है कि बाय 1857 हिंदुस्तान में म्यूटनी शुरू हो गई थी, तो दुनिया भर में खबर फैल गई थी कि ब्रिटेन हिंदुस्तान पे जुल्म और सितम कर रहा है, हिंदुस्तान पे कब्जा कर रहा है और इस पे बहुत बहुत ही तशद्दुद कर रहा है. तो ये दुनिया भर में ये फैल गया था न्यूज. उसके एवज और उसके पस मंजर, उसके बैकग्राउंड में आप ये तस्वुर कीजिए कि देयर इज एन इंडियन प्रिंस इन ब्रिटेन telling the people of Britain that look what you're doing in my country and I want justice. So it was a mix of various things that led to his success. Firstly, he had the best lawyers. Secondly, he remained in Britain. He did not leave. And thirdly, because of the simple reason that India had erupted in revolt, the world press had started writing about it. And these were the, I think, primary reasons how he... जब उनके फेवर में डिसीजन आया, आई मीन इट वाज अ वेरी बिग थिंग, और तब जब ये खबर इंडिया पहुंची तो हाउ वाज द रिएक्शन इन इंडिया. आई मीन हमें क्या पता चलता है कि लोगों का, बाकी इंडियंस का या और यहाँ के ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट का क्या रिएक्शन था उनकी जीत पर? दो रिएक्शंस थे अक्षय. एक तो आपने जिक्र किया था बेगम ऑफ अवध जो आई थी इंग्लैंड, और उन्होंने मुलाकात की थी मीर जाफर अली खान से ताकि वो इल्म हासिल करें, ताकि वो तजुर्बा हासिल करें और ताकि वो सीखें किस तरीके से
लीगली ईस्ट इंडिया कंपनी को कन्फ्रंट करना चाहिए। और जब मीर जाफरी खान हाउस ऑफ कॉमन्स में जीतते हैं तो अवध में जश्न मनाया जाता है, क्योंकि यू नो इट इज अ इंडियन विक्ट्री। और जब ये वापस आते हैं बॉम्बे तो खैर नहीं, क्योंकि बॉम्बे इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यू नो इज अ वेरी पावरफुल पार्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, मगर सूरत में इनका बहुत जोश और खुर्रम से इस्तकबाल किया जाता है, उनका खुशामदीद किया जाता है, उनको यू नो उनको माना जाता है कि ये भाई ये वो शख्स हैं जिन्होंने ब्रिटेन में जाकर उनके ही पार्लियामेंट में उन्हीं को हराया। और मंजर है जहां म्यूटनी भी हो रही है, 1857 की म्यूटनी भी हो रही है, और कई लोग ये चाहते हैं कि ज्यादातर रजवाड़े जो जो कोर्स ऑफ एक्शन मीर जाफरी खान ने ली थी वो ही वो लें, लेकिन बाय दैट टाइम जंग छिड़ गई थी 1857 की, और ज्यादातर लोग उसमें मशगूल थे, उसमें इन्वॉल्व थे। तो मेरे ख्याल से कई वजह हैं, ये स्टोरी जैसे वक्त गुजरता गया इसे लोगों ने भुला दिया, क्योंकि ये पीछे रह गई, ये स्टोरी कन्फाइन हो गई ब्रिटिश आर्काइव्स में, ये स्टोरी कन्फाइंड हो गई ब्रिटिश लाइब्रेरी में, और ज़्यादातर लोगों ने तवज्जो दी 1857 की म्यूटनी को, और देना भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही घमासान युद्ध था जो हमने लड़ा, जो हमने हिंदुस्तान की पहली युद्ध थी टू गेट इंडिपेंडेंस। लेकिन ये जो किस्सा था ये कहीं धुंध में खो गया था, तो इसे बाहर वापस लाना मैंने समझा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं करूंगा अगर मैंने इसे किया तो। नहीं, ये बहुत ही काबिले तारीफ आपकी किताब है। मेरा ये सवाल है कि जो मीर जाफर अली खान की जो कहानी है और उनका जो लीगल जंग की जो कहानी है वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, और हम चाहते हैं कि अगर आप आज की इंडिया को देखें, आज की यूथ को देखें, तो आप इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट अ मैन स्टैंडिंग अप टू द मोस्ट पावरफुल कॉर्पोरेशन ऑफ इट्स टाइम, अगर आप वैसे देखें, तो आप कैसे देखते हैं मीर जाफर अली खान को भारत के इतिहास में इन ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स? As a man who stood for justice, a man who did not give up, और वो शख्सियत जिसने अपनी बेटियों के हक के लिए एक मुहिम शुरू की, he did not believe in gender inequality, और मुनाफिकत जो कहते हैं हिंदी या उर्दू में, मुनाफिकत यानी हिपोक्रेसी को बेनकाब किया, क्योंकि ये हिपोक्रेसी ही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मलिका हैं वो मलिका ही हैं, लेडी हैं, क्वीन विक्टोरिया, लेकिन आप हिंदुस्तानी शहजादियों को नहीं आप कबूल करते, हिंदुस्तानी रानियों को आप कबूल नहीं करते, रानी झांसी को आप नहीं कबूल करते, लेकिन आपकी रानी है, तो ये एक मैं इनका एक बहुत ही आला मकाम देखता हूँ, क्योंकि लार्ज कॉरपोरेशन को तो इन्होंने टेक ऑन ज़रूर किया, लेकिन हक की लड़ाई लड़ी, जो सही था उस पे वो कायम रहे। और ये जो स्टोरीज हैं ये हमें इंस्पायर करती हैं कि भाई जब आप हक परस्त हो, जब आप सही चीज के लिए आप गामजन हैं, या आप शुरुआत करते हैं एक 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 चीज जो जो इट इज अ राइटियस वे, इट इज अ राइटियस पाथ, देन इट डजंट मैटर वेदर यू आर टेकिंग ऑन अ कॉरपोरेशन और यू आर टेकिंग ऑन एन एम्पायर, एंड दीज आर इंस्पायरिंग स्टोरीज।
थैंक यू मोइन, आपके साथ आपने हमारे लिए समय निकाला। हम आशा करते हैं कि आपकी किताब हिंदी में भी आए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे दर्शक उसे पढ़ सके। सो थैंक यू सो मच।